यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम पढ़ने से पहले हमने रोटेशनल के बारे में पढ़ा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ा था, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हमने इसको किसके अंदर स्टडी किया था? इसको हमने स्टडी किया था जब हमारा डायपोल मोमेंट हो, यानी कि परमानेंट डायपोल मोमेंट। और इसको कौन सी रीजन के अंदर स्टडी किया था? तो जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हमने जिस रीजन के अंदर स्टडी किया था उस रीजन को बोलते हैं माइक्रोवेव रीजन। इसके बाद जो मैंने दूसरी पढ़ी थी वो थी तुम्हारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी थो उसके मैंने जब बताया था तो मैंने बोला था कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कौन सी रीजन के अंदर स्टडी करते हैं, तो इसके लिए जो रीजन था वो था हमारा इंफ्रारेड रीजन, यानी कि जिसको बोलते हैं IR, इंफ्रा रेड रीजन, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो कंडीशन बताई थी, जैसे मैंने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कंडीशन बताई कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। परमानेंट डायपोल मोमेंट के लिए एग्जांपल दूं मैं, HCl के अंदर क्या होता है, HCl एक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है किसके बीच में, HCl के बीच में। तो यहाँ पर हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी कर सकते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। फिर मैंने बोला वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रीजन बताया मैंने, कौन सी रीजन के अंदर स्टडी करते हैं इसको, IR यानी कि इंफ्रारेड रीजन। इसके लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि हमने अभी तक जो परमानेंट डायपोल मोमेंट पढ़ा अगर उसके अंदर चेंज आता है, चेंज इन डायपोल मोमेंट, तो क्या होता है वहां पर तुम्हारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम स्टडी कर सकते हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम वाइब्रेशनल मोशन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था तुम्हारा जनरल पार्ट जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम से पहले पढ़ा था। अब बारी आती है तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की, कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हम क्यों पढ़ते हैं। तो मेनली जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है वो मेनली स्टडी होता है हमारा अल्ट्रावायलेट एंड यूवी एंड विजिबल रीजन के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन को काउंट करके चलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम जब पढ़ा हमने, पढ़ लिया यूवी और विजिबल रीजन के अंदर आएगा। वैसे तो ये होता है काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इसको स्टडी करना, लेकिन फिर भी हम मेनली इसी को स्टडी करते हैं बिकॉज ऑफ ये जो स्पेक्ट्रा है ये बिकॉज इट इज स्टडीड इन विजिबल रीजन, यानी कि विजिबल रीजन के अंदर हम चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं, और अच्छे से देख सकते हैं तो मतलब हम स्पेक्ट्रा को अच्छे से डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम विजिबल रीजन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादातर पढ़ते हैं। अब इसके बाद बारी आती है कि जो हमारा एनर्जी का जो डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं बोर्न ओपन हाइमर अप्रोक्सीमेशन, जब हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल का पढ़ा था तो मैंने बताया था कि जो हमारी टोटल एनर्जी होती है, मान लो उस टोटल एनर्जी को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ ETC, वो होती है सम ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी
उसके बाद है रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इन सब का सम होती है, मतलब अगर हम इसको लिखें इस तरीके से, तो ई टी स्मॉल टी प्लस ई आर प्लस ई वी प्लस ई ई प्लस ई एन, ठीक है, इन सब का जो सम होता है वही क्या होती है तुम्हारी टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ सिर्फ स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स तक। तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को हम जब स्टडी करते हैं तो हम इस एनर्जी को बाउंड कर देते हैं कहाँ तक, सिर्फ ई टी प्लस ई आर प्लस ई वी और प्लस ई ई, यहीं तक। अब जब एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं, एनर्जी लेवल्स उस टाइम पे उनके बीच में जो स्पेसिंग होती है, सबसे ऊपर आया आप लोगों का ई वन ई टू, यानी कि ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि इसको नाम दे दिया मैंने ई ई वन, दूसरा नाम लिख सकते हो ई ई टू, ठीक है। इनके बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं उन्हीं के बीच में लाई करते हैं हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स, तो ये हो गया हमारा वी टू वी वन, यानी कि इनको मैं बोलती हूँ वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इन्हीं वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में हम स्टडी करते हैं हमारे रोटेशनल लेवल्स को, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ई आर वन ले लो इसको, ई आर टू ले लो, ठीक है। और इनके बीच में जो एग्जिस्ट करते हैं वो होते हैं हमारे ट्रांसलेशनल एनर्जी के, तो ये हो गए हमारे ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये तुम्हारा बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन है, जिसके अकॉर्डिंग जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एंड प्लस न्यूक्लियर एनर्जी। बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, तो यहाँ मैं इस एनर्जी को कहाँ तक लूँगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। फिर मैंने बताया कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं वो किस तरीके से स्पेस्ड होते हैं, तो सबसे पहले आता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, इनके बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं आप लोगों के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, और उन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में आता है हमारा ट्रांसलेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये था हमारा बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन फॉर टोटल एनर्जी, ओके।